अब ये जो चेहरे देख रहे हैं आप, ये हजारीबाग से अरेस्ट किए गए हैं। हजारीबाग झारखंड का वो स्कूल और वो इलाका जो इस पूरे की पूरे वारदात का, जो इसकी पूरे की पूरे घटना का एक सेंटर बताया जा रहा है। तो हजारीबाग से जो अरेस्ट किए गए हैं वो शख्स है एहसान उल हक, प्रिंसिपल ओएसएस स्कूल। इसके अलावा इम्तियाज अली, वाइस प्रिंसिपल ओएसएस स्कूल। इसी के साथ साथ जमालुद्दीन, जो कि पेशे से पत्रकार है लेकिन काम है गोलमाल करने का, धांधली करने का और पेपर लीक में अहम भूमिका निभाने का। तो हजारीबाग से ये तीन अरेस्टिंग हुई है सीबीआई की ओर से। पहले अरेस्टिंग एहसान उल हक की हुई, इसके बाद इम्तियाज की हुई, इसके बाद जमालुद्दीन की भी हुई, क्योंकि सबके अलग अलग किरदार हैं, सबने अलग अलग काम बांट रखे थे। सबने अलग अलग काम बांटने के साथ साथ ये तय कर रखा था कि आखिर कब किसको क्या करना है। और शायद यही वजह है कि अब सीबीआई की ओर से पूरे मामले के तार जोड़े जा रहे हैं, और तार जोड़ने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है इनकी ओर से कि अगला नंबर किसका। और यहाँ पर जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर के जो खुलासे हो रहे हैं राज्य दर राज्य, लातूर, झारखंड, बिहार से लेकर के राजस्थान, और राजस्थान के बाद अब कई यहाँ पर जो चेहरे हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं। और शायद ये वजह की जो अरेस्टिंग हो रही सीबीआई की ओर से, किसी एक राज्य में नहीं हो रही है, वो अलग अलग राज्यों में हो रही है। अब अगला नंबर जो है गंगाधर का, आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये गंगाधर कौन है, सीबीआई के शिकंजे में गंगाधर रहेगी। दरअसल नीट धांधली से जुड़ा ये आरोपी है गंगाधर, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने उत्तराखंड के मसूरी से इसको अरेस्ट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में उत्तराखंड की भी एंट्री हो गई। जी हाँ, नीट धांधली के लातूर मॉड्यूल का ये मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। अब सोच रहे होंगे कि लातूर मॉड्यूल क्या है, तो लातूर जो कि महाराष्ट्र का एक इलाका है, उन स्टूडेंट्स के पास पटना के आई कार्ड मिले थे। तो यानी कि यह अंदाजा लगाया गया कि आखिर क्या महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स पटना के एग्जाम देते हैं, तार कैसे जुड़े हैं। लिहाजा सीबीआई पूछताछ करने को लेकर के यहां पे एफआईआर कर रही है। गंगाधर के खिलाफ इसके पहले भी एफआईआर दर्ज की गई थी। अब लातूर का मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। लातूर पुलिस ने दो आरोपी पहले गिरफ्तार किए थे और अब गंगाधर को भी अरेस्ट करने की बात निकलकर सामने आ रही है। लातूर मॉड्यूल से जुड़े अब तक तीन लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अभी एक आरोपी फरार चल रहा है। यानी कि राज्य दर राज्य धरपकड़ जो है सीबीआई की ओर से वो जारी है। अब इसी के साथ साथ खुलासा इस बात को भी लेकर के हो रहा है कि क्या लातूर, क्या बाकी अन्य राज्य, अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं बताने के लिए काफी कि पेपर लीक के जो तार हैं वो कहां कहां तक पहुंचे हुए हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अपने आप, ये गंगाधर की तस्वीर है। गंगाधर जिसको लातूर मॉड्यूल का मुख्य जो साजिश करता है बताया जा रहा है, मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, इसको अरेस्ट किया गया है मसूरी से। ये उत्तराखंड में मौजूद था, मसूरी से इसकी अरेस्टिंग की गई है। पेपर लीक मामले का ये आरोपी बताया जा रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के थे और जो आके पटना में पेपर देते थे, उन तक एडमिट कार्ड पहुंचाना, कैसे वो पेपर देंगे, कब लाए जाएंगे, इन सबका जिम्मा इसी के पास था। ये वही वो शख्स है जो लातूर मॉड्यूल का मुख्य आरोपी है और उसका कर्ता धरता है ये गंगाधर है। इसके अलावा री एग्जाम देने वाले नीट छात्रों की अगर जब हम बात करते हैं, तो जो री एग्जाम देने वाले छात्र हैं उन छात्रों का खुलासा भी महाराष्ट्र के से किया गया है, जहां पे फॉर्म भरो और बिहार समेत दूसरे राज्यों के केंद्र को चुनो, ये मॉड्यूल अपनाया गया था। यानी कि आप किसी और राज्य में रहते हैं, आपने किसी और राज्य का फॉर्म भरा, इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों में जाकर के आपने परीक्षाएं दी। इसमें जो तमाम किरदार है, इसमें गंगाधर जो है वो मुख्य आरोपी है। और अब जिक्र आता है सबसे बड़े मुख्य आरोपी, सबसे बड़े नटवर लाल का। जी हाँ, वो है संजीव मुखिया, जिसका सिंडिकेट कहा जाता है कि दरअसल बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है। लेकिन जो उसकी खासियत है मुख्य बताते हैं आपको पहले। दरअसल ये बॉक्स तोड़कर पेपर निकालने में माहिर है, बॉक्स टूट भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मुखिया गैंग के पास कई शातिर लोग हैं जो उस काम में उसकी मदद करते हैं, और अब संजीव मुखिया का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है जो उस काम में उसकी मदद भी करते हैं। बाप बेटे, यानी कि इसमें बेटा भी इसका इन्वॉल्व है। बाप बेटे ने पहले बिहार के कई पेपर लीक करवाए, बेटा पहले से ही पेपर लीक केस में जेल में, सोचिए ब्लैकलिस्टेड है पूरा का पूरा परिवार, लेकिन अभी भी यहाँ पे फरार चल रहा है। पेपर लीक में डॉक्टर बेटे को शामिल किया गया, क्योंकि इसका बेटा ऑलरेडी पेपर लीक मामले में ही एक अन्य मामले में जेल में बंद है। लेकिन संजीव मुखिया आखिर कौन है, कैसा दिखता है, ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। तो देखिए संजीव मुखिया, ये शख्स जो आपके टीवी स्क्रीन पर आ गया है, संजीव मुखिया यही वो किरदार है जो पूरे के पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड कैसे है, इसका बैकग्राउंड क्या बताते हैं आपको हम। दरअसल वैसे तो ये एक आम कर्मचारी है जो कामकाज करता है, लेकिन इसके कॉन्टैक्ट्स बहुत हाईफाई हैं। ये बिहार की पॉलिटिक्स में दखल चाहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि संजीव तो ठीक है, ये मुखिया कहाँ से आ गया, दरअसल ये मुखिया कब बन गया। तो इसकी पत्नी जो ममता देवी है, उसने मुखिया का चुनाव लड़ा, उसके बाद से संजीव ने अपने नाम के आगे मुखिया लगवा लिया, तब से ये संजीव मुखिया हो गया।
और यही वजह है कि संजीव मुखिया जो है अपने आप को इतना पावरफुल मानता है, इसके कॉन्टैक्ट्स, इसके तार इतने जुड़े हुए हैं कि हर राज्य में इसके लोग हैं जो उसकी मदद करते हैं। और शायद यही वजह है कि अब ये फरार चल रहा है, लेकिन सीबीआई की कार्रवाई से बहुत देर तक बच नहीं पाएगा, ये तय माना जा रहा है। इसी के साथ साथ अब सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि संजीव मुखिया हो, चाहे वो बाकी पांच अन्य आरोपी हो, चाहे वो लातूर मॉड्यूल वाला गंगाधर हो, पेपर लेके कुल कितने चेहरे हैं, ये सवाल आपके मन में भी होगा। तो चेहरा नंबर फिलहाल एक है, एहसान उल हक। काम है, पेशा है, प्रिंसिपल है पढ़ाने लिखाने का काम, लेकिन आरोप है कि पेपर लीक किया। जी हाँ, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो बच्चों को अच्छा ज्ञान दे, अच्छे से उनका मार्गदर्शन करे, वो पेपर लीक कर रहा था। इसके अलावा जो चेहरा नंबर दो है वो है संजीव मुखिया। संजीव मुखिया पर आरोप है कि पेपर हासिल किया। इसके अलावा इसके टैलेंट और भी बहुत सारे हैं, बिना बॉक्स तोड़े पेपर लीक करवा देना, पेपर्स को निकाल लेना, नेटवर्क के जरिए बच्चों तक पेपर पहुंचाना, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है। इसके लिहाजा इसको पूरे के पूरे वारदात का, पूरे के पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। चेहरा नंबर तीन है इम्तियाज आलम, जो कि वाइस प्रिंसिपल है ओएसएस स्कूल का, और आरोप है कि पेपर लीक में इसकी भी भूमिका है। दरअसल ये एहसान उल हक का राइट हैंड भी माना जाता है, उसका करीबी भी माना जाता है, पूरा कामकाज भी देखता है, लिहाजा इस पूरे के पूरे पेपर लीक मामले में इसकी भी भूमिका है। चौथा चेहरा है चिंटू, नाम चिंटू है, इसका उपनाम आशीष भी है, जिसको जिस नाम से इसके दोस्त उसको बुलाते हैं, लेकिन इस पर आरोप है कि मुखिया से इसने पेपर हासिल किया। वो मुखिया संजीव मुखिया जो पूरे के पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, उससे पहले पेपर हासिल किसने किया, तो वो चिंटू है। अब चेहरा नंबर पांच है मुकेश, और मुकेश पर ये आरोप है कि बच्चों को ये सेफ हाउस ले गया, सेफ हाउस ले जाने के बाद वहाँ पे किस तरीके से पेपर रटवाए गए, ये तो आपको पता ही है किस तरीके से पेपर रटवाए गए। इसके बाद से यहाँ पर कैसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे रटवाए गए पेपर, फिर एग्जाम दिलवाया गया। अब दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं, जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर, इसके अलावा जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैप की, तो मैप भी दिखाएंगे आपको, बताएंगे भी कि आखिर मसूरी में से कितने किरदार हैं जो एक्टिव थे। और यहाँ पर यहाँ पर देखिए जो मैप है उसके जरिए बताएंगे आपको हम कि राज्य तो आपको बताया हमने आपको कि आखिर वो राज्य कौन कौन से हैं, लेकिन इस राज्य में बिहार झारखंड से लेकर के अब यहाँ पर कुल कितने किरदार हैं जो कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, अब वो यहाँ पर किस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं वो बताएंगे आपको। लेकिन अब देखिए ये तस्वीर बिहार की है, ये तस्वीर पटना की है, इसके अलावा कई राज्य और भी ऐसे हैं जो पूरे के पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व दिखाई दे रही हैं। अब ये मैप देखिए आप मैप के जरिए समझिए कि दरअसल आरोपी और कितने हैं, कुल आरोपी कुल कितने हैं। ठीक है, पटना की जब हम बात करते हैं तो पटना से कुल 15 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम जब बात करते हैं इस पूरे के पूरे मैप की, तो मैप में आपको बिहार भी दिखाई दे रहा है, जहां पर पटना, जहां से सबसे पहले पुलिस को इस बात का पता चला था कि यहां पर पेपर लीक हुआ है, कुछ लोगों ने शिकायत की थी, इसके बाद पुलिस को जले हुए पेपर के टुकड़े भी मिले थे। इसके बाद जब हम बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड का हजारीबाग जो आपको पता होगा कि पूरे के पूरे घटनाक्रम का सेंटर पॉइंट है, ये वही झारखंड है जहां से पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट किया है, सीबीआई ने कुल मिलाकर के 8 लोगों को अरेस्ट किया है। गुजरात का गोधरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गोधरा का एक पूरा का पूरा सेंटर ही यहां पे माना जा रहा था कि यहां पे ओएमआर शीट बदलने का काम किया गया, लिहाजा गोधरा भी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में शामिल है। लातूर में देखा होगा किस तरीके से आपने गंगाधर, जो पूरे के पूरे मॉड्यूल का मेन आदमी है, जो पटना बुला करके या बाकी अन्य राज्यों में स्टूडेंट्स को ले जाकर के एग्जाम दिलवाता था, वहां से 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। राजस्थान के झालावाड़ से भी 10 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। 10 लोगों की जो अरेस्टिंग है वो पुलिस और सीबीआई ने मिला करके की है। और अब जो पूरे के पूरे किरदार दिखा रहे हैं आपको हम, वो किस तरीके से यहां पर दिखाई दे रहे हैं वो हमने बताया आपको, साथ ही मैप के जरिए भी समझाया कि आखिर मैप में कुल कितने राज्य ऐसे हैं जो दागदार दिखाई देते हैं, क्योंकि जो पेपर लीक करने वाले आरोपी हैं उन आरोपियों की जब हम बात करते हैं, जब बात करते हैं आरोपियों की, तो उन आरोपियों के पास से अब क्या कुछ बरामद हुआ वो तो बता ही रहे लगातार आपको हम। इसी के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि आखिर आप कुल कितने और किरदार हैं जो आने वाले दिनों में इस पूरे के पूरे मामले में सामने निकल करके आने वाले हैं। अब कहां से कहां गया पेपर, ये सवाल आपके मन में भी होगा, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ इस पेपर लीक को लेकर के जो बात निकल के सामने आई कि भाई इसमें कई किरदार इन्वॉल्व है, तो आखिर इस पूरे के पूरे पेपर लीक को अंजाम कैसे दिया गया वो भी बताते हैं आपको हम। दरअसल जो दिल्ली से पेपर है वो भेजा गया एनटीए के जरिए, एनटीए से पेपर यहां पर जो है आगे बढ़ाया गया और दिल्ली से एनटीए ने पेपर भेजा।
हजारीबाग ब्लू डार्ट को ये पेपर मिला, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो सिक्योरिटी के साथ अलग अलग सेंटर्स पे पहुंचाए। हजारीबाग से पेपर के पूरे जत्थे को भेजा गया बैंक के लिए, हजारीबाग बैंक से पेपर स्कूल लाया गया और यहीं पर पेपर लीक हो गया। ये वही स्कूल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दरअसल ये पूरी घटना का सेंटर पॉइंट है। रांची जो इसमें है, रांची की भूमिका क्या है? पेपर को सॉल्व करवाया गया रांची में, इसी के साथ साथ जो लीक पेपर की कॉपी थी वो पटना भेजी गई, और पटना में आपको याद होगा किस तरीके से गेस्ट हाउस में स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा पेपर रटवाया गया। रटवाने के बाद उसके जले हुए पेपर के टुकड़े पुलिस ने भी बरामद किए थे। पटना के प्ले स्कूल में आंसर रटवाए गए थे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो आखिर पेपर का मूवमेंट क्या था वो हमने बताया आपको, और किस तरीके से यहाँ पर बात करें हम तो पूरे पेपर लीक को लेकर के राज बताए हमने आपको, आरोपी दिखाए, साथ ही साथ किन किन जगहों की क्या भूमिका रही हमने आपको वो भी समझाया। इसी के साथ साथ बहुत सारे खुलासे भी सीबीआई पूरे मामले में करने वाली है, क्योंकि देखिए किस तरीके से यहाँ पर नीट धांधली के जो तार हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। गोधरा ने बताया था आपको कि कैसे गोधरा का जो एक इलाका है जिसको कहते हैं यहाँ पर गोधरा में गुजरात का एक इलाका है जहाँ पे पेपर लीक के साथ साथ एमआरशीट बदलने का आरोप भी लगा। पटना देख रहे हैं आप मैप में, तो पटना भी इसमें कितना ज़्यादा एक्टिव रहा कि गिरफ्तारियाँ बताया हमने आपको। महाराष्ट्र का लातूर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वो राज्य है जहाँ से स्टूडेंट्स अलग अलग राज्यों में जाकर के पेपर लीक के साथ साथ पेपर देते भी थे। झालावाड़ राजस्थान का ये इलाका है जहाँ से सीबीआई ने भी तमाम लोगों को अरेस्ट किया है। जांच का केंद्र है ये, पेपर बॉक्स के साथ छेड़छाड़ करने का शक इसी हजारीबाग के उस सेंटर में है, जिस सेंटर में कहा जा रहा है कि दरअसल इसी सेंटर का जो प्रिंसिपल है वो है एहसान उल हक, और वाइस प्रिंसिपल है इम्तियाज और जमालुद्दीन जो यहां पे एक्टिव था। तो हजारीबाग पूरी की पूरी घटना का ये सेंटर पॉइंट है जहां पे पेपर बॉक्स के साथ छेड़छाड़ का शक था। और अब यहां पर जिस तरीके से बताए हम तो जिस तरीके से पूरे के पूरे मामले को लेके खुलासे हो रहे हैं, दरअसल उसमें फिलहाल अब सीबीआई के सामने जिम्मेदारी क्या है और टास्क क्या है। टास्क दरअसल ये कि जो किरदार थे वो तो यहां पर सामने आ गए हैं, लेकिन उन किरदारों को जोड़ना आपस में किस तरीके से जोड़ना है वो यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। और अब जिस तरीके से अगर जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में सीबीआई का एक्शन लगातार तेज हो रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये सर्च ऑपरेशन या जो गिरफ्तारियाँ हैं वो कैसे की जा रही हैं और कौन कौन से जगह ऐसे हैं जहाँ पर सीबीआई का शिकंजा कसने वाला है। 7 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, साजिश होने के शक में कार्रवाई हो रही है। गोधरा, खेड़ा, आनंद, अहमदाबाद में ये कार्रवाई चल रही है, यहाँ पे धरपकड़ का काम चल रहा है। सीबीआई की ओर से लगातार छापेमारी का दौर चल रहा है। पेपर लीक का जो दलदल है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है साफ तौर पर। अब जिस तरीके से हमने बताया आपको कि वो कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सीबीआई की ओर से धरपकड़ की जा रही है।